हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज आपके सामने फिर से एक बार आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम के रूप में, जो कि राजीव अहीर की बुक है, इसका हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। पार्ट 1 मैं पहले ही करा चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगा मेरे चैनल पर आप लोगों को। और इसका पीडीएफ, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ भी मैं अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल, जिस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं और ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। चैप्टर 1 पहले ही हो चुका है, उसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एमपीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ लगातार चलती आ रही है, और हिंदी के चैप्टर्स, सीटेट से रिलेटेड चैप्टर्स, केवीएस, एनवीएस और जीके की एक महा सीरीज़, 1 मिलियन जीके क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। तो एक बार उसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को देखना और पसंद है और देखना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, वो सब चीज़ें मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का पार्ट 2। ये हम लोग, इसमें से हमने पहला चैप्टर ये कर लिया था, ये सेकंड चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं। एक बार आप लोग ये रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए, ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इसको प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक थे, ये हैं। ये पूरा अगर आपको आता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के तौर पे, तो आप कर सकते हैं। और अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आता है कि सुधार आंदोलनों के कौन कौन से सुधार आंदोलन किए गए थे, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। टू द पॉइंट इसमें पॉइंटर्स मैं आपको करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार यहाँ दो दिशा में किए गए थे। एक तो सामाजिक सुधार हुआ था, स्त्रियों की दिशा में सुधार का प्रयास किया गया था, जो कि स्पेक्ट्रम में दिया है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को करा रही हूँ। और दूसरा था वर्ग आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष, मतलब कि जो भी जाति प्रथा थी, छुआछूत थी, इन सब से रिलेटेड जो भी शोषण होता था व्यक्तियों का, उसके विरुद्ध जो जो संघर्ष हुए थे, तो उसके विरुद्ध ये समाज में सुधार हुए थे। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्त्रियों की दशा में क्या सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए थे। तो स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। हम लोग पहले इस पर ध्यान देते हैं कि स्त्रियों की दशा में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। वैसे हमने प्रॉब्लम्स पहले ही डिस्कस कर ली है कि जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ओवरऑल हम देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही की महिलाएं जो थी, हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक हिंदू या पर्टिकुलर एक मोमडन, दोनों की जो महिलाएं थी वो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थी। उन्हें बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त नहीं थी। हिंदू स्त्रियों को तो संपत्ति का भी अधिकार नहीं दिया गया था, और विवाह में उनसे सहमति भी नहीं ली जाती थी। मुस्लिम स्त्रियों को हालांकि संपत्ति का यहाँ पर अधिकार तो दिया गया था, बट उन्हें पुरुषों की तुलना में आधी संपत्ति ही दी जाती थी। बट तलाक में पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज़्यादा यहाँ भेदभाव किया जाता था। बहुपत्नी प्रथा और हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय में प्रचलित थी बहुपत्नी रखने की प्रथा। ऐसे ही पत्नी और मातृत्व तो दो ऐसे अधिकार थे जहाँ महिलाओं को समाज में बहुत थोड़ी सी मान्यता यहाँ पर प्राप्त थी। सामान्यतः महिलाओं को जो समझा जाता था एक भोग की वस्तु है, और ऐसी अवधारणा रखी जाती थी कि उनका जो जन्म है वो पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है, और उनका समाज में कोई, जैसे आज के टाइम में अस्तित्व है, वैसे उस टाइम में कोई भी अस्तित्व नहीं था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें महिलाओं ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, बट ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ही गिनी चुनी थी। जिनके परिवार उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन देते थे तो वो उस दिशा में काम कर लेती थी, बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था महिलाओं का बैकग्राउंड उस टाइम के।
तो सामाजिक सुधार अभियान चले, स्वतंत्रता संघर्ष चले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी ऐसे उदाहरण हुए जहां महिलाओं के बहुत उल्लेखनीय योगदान दिए गए। तो हम लोग देख लेते हैं कि स्त्रियों की जो दशा सुधारने में कौन-कौन सी दशा सुधारी गई, कैसे कैसे सुधारी गई, किन किस ने उसमें योगदान दिया, प्लस क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए और स्वतंत्रता के बाद भी क्या क्या नियम कानून ऐसे अपनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कदम उठाए गए, सुधार किए गए, उसमें सबसे पहले नाम आता है सती प्रथा का। बहुत ही क्रूर प्रथा थी, इसमें पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को मतलब कि जबरदस्ती बिना उनकी मर्जी के उनकी चिता के साथ जला दिया जाता था। और अगर कोई स्त्री इस पे बच भी जाती थी तो उसे पूरा जीवन ऐसे मतलब नौकरों से भी बदतर जिंदगी उनकी हो जाती थी, ऐसे जीना पड़ता था। तो सती प्रथा की दशा को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। आप लोग इन्हें जानते होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को सुधारने का प्रयास किया था। सती प्रथा को इनके ही प्रयासों द्वारा एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। और इस सरकार ने स्त्री को अगर किसी भी औरत को बलपूर्वक जलाया जाता है तो उसको जो हत्या के बराबर उसका वो अपराध घोषित किया गया था। इस प्रथा को अगर प्रोत्साहित कोई करता है तो उसके विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा, मतलब फौजदारी मतलब हत्या के बराबर का मुकदमा चलाया जाने की यहाँ पर नियम बनाया गया था, घोषणा की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट कानून ये बनाया गया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1929 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास करके इसे 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद किया गया। नियम भी याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, और ये चीज़ राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा की गई थी। और ये जो नियम लागू हुआ था सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ था, और 1830 में ये नियम मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया गया था। तो ये सती प्रथा के रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स हैं, और अगर इस पे और डिटेल लिखने को आएगा तो आप नॉर्मली जो जो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, क्या होता है, कैसे स्त्रियों का जीवन हो जाता था, इस टाइप से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक सुधार ये हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सुधार की दिशा में शिशु वध, जो बालिकाओं का वध कर दिया जाता था उससे रिलेटेड है ये। तो ये जो क्रूर प्रथा थी ये बंगालियों और राजपूतों में अधिक प्रचलित थी, बंगाल में और राजपूतों में बहुत ज़्यादा चलती थी। इस प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर और अन्य कारणों से ही बालिकाओं की नहीं, बालिकाओं की जो लड़कियां होती थी उनकी बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। और जो अच्छे मतलब बुद्धिजीवी भारतीय थे और जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने इस जो प्रथा की बहुत बड़ी निंदा की थी उस टाइम में, और कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर यहाँ पे अपराध मान लिया गया था। और 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम के द्वारा और 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया था। ये फैक्ट्स आप यहाँ याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बंगाल में 21वें और 1804 में ओवरऑल पूरी इंडिया में शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध मान लिया गया था। और 1870 में भी कुछ नए कानून इसे रोकने के लिए बनाए गए थे, शिशु वध को। चलिए आगे बात करते हैं, शिशु वध के आगे बढ़ते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है विधवा पुनर्विवाह, स्त्रियों की दशा सुधारने में। अब मान लीजिए कि स्त्रियों को सती होने से रोक दिया गया, बट उनका पूरा जीवन तो बर्बाद हो जाता था, उनको बहुत ही ज़्यादा घटिया परिस्थिति में रहने पर मजबूर होना पड़ता था। तो इसकी दिशा में आगे कदम एक और स्टेप उठाया गया कि जो विधवा हो चुकी हैं स्त्रियां, तो उनका पुनर्विवाह किया जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिनका जन्म हुआ था 1820 में, मृत्यु हुई थी 1891 में। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, सबसे मेन यहाँ पे ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के एक आचार्य भी थे, और उन्होंने संस्कृत और वैदिक के उल्लेख से ये सिद्ध भी कर दिया था कि वेद जो है वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। और उन्होंने लगभग एक सहस्त्र हस्ताक्षर मतलब एक सहस्त्र हस्ताक्षर से युक्त प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा था, 1000 हस्ताक्षर से युक्त। और
उनके ही प्रयासों से जब उन्होंने इतना सब कदम उठाए महिलाओं की सुधार के लिए, तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध घोषित कर दिए गए। इनके ही योगदान से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान से। ऐसे ही महाराष्ट्र में जगन्नाथ सेठ और भाऊ सेठ ने भी इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था, भाऊ दाजी और जगन्नाथ सेठ ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने भी 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना कर करसोनदास मूलजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास किया गया था। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करसोनदास जी मूलजी द्वारा कौन सी ईस्वी में की गई, कौन से सन में किया गया, तो 1852। इस टाइप से कुछ भी विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके पढ़िए, दोनों आपकी तैयारी होगी। विधवा पुनर्विवाह की ही दिशा में आगे हम बात करते हैं कि मुंबई के जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे वो DK कर्वे, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था विधवा पुनर्विवाह की दिशा में। और उनके साथ ही मद्रास के वीरे सलिंगम पंतुलु द्वारा भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। डी के कर्वे थे, उन्होंने जब खुद विवाह विदुर हो गए थे, उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, तो 1893 में उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया और एक आइडियल प्रस्तुत किया इंडियन सोसाइटी के आगे, और वो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी रहे थे। 1899 में उन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की, ये कर्वे द्वारा की गई है 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना। 1906 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे द्वारा 1906 में की गई थी। भारत में पहला जो कानूनी विधवा पुनर्विवाह हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में संपन्न हुआ था ये। और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में B.M. मालाबारी, नर्मदा, जस्टिस गोविंद रानाडे और के नटराजन द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास किए गए थे विधवा पुनर्विवाह की दिशा में। तो इन सब के नाम आप लोग याद रखें, प्लस जो फैक्ट्स मैं करा रही हूँ वो आप लोग याद रखें इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्त्रियों की दिशा में सुधार में देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें कम उम्र के लड़के हो या चाहे लड़कियां, ये दोनों के कॉन्टेस्ट में बात हो रही है, तो दोनों में ही कम उम्र में यहाँ पर इनका विवाह कर दिया जाता था। और समाज के सुधारकों ने इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। जब विरोध होने लगा इसका, तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का जो विवाह है वो वर्जित है, मना कर, अगर कोई कन्या 14 वर्ष से कम की है तो उसका विवाह नहीं होना चाहिए। बट उस समय ये कानून प्रभावी नहीं हो सका, उस समय ये कानून नहीं चल सका, लोगों ने कानून को बिल्कुल भी नहीं माना और अपनी ही चलाई, जो उन्हें करना था वही उन लोगों ने किया। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसी में, पारसी एक धर्म सुधारक थे V.M. मालाबारी, उनके प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। और ऐसे ही इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरविलास शारदा के प्रयत्नों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि हरविलास शारदा एक्ट क्या था, उसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, ये पारित हुआ था 1930 में। इसमें कहा गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध इसमें घोषित किया गया था। ऐसे ही स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे कानून बने, शारदा एक्ट में ही संशोधन हुआ आगे, यहाँ पर शारदा एक्ट में जो 1930 में बना था, इसमें स्वतंत्रता के पश्चात 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया, इसे संशोधित किया गया शारदा एक्ट को। इसमें बनाया गया कि बालक की आयु 18 से जो शारदा एक्ट में की गई थी उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई,
और ऐसे ही बालिका की आयु 14 से बढ़ाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। और अगर कोई ये नहीं मानता है, बाल विवाह करता है, तो वहाँ पर भी दंड का प्रावधान किया गया। तो आज हमने किया यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा, शिशु वध और विधवा पुनर्विवाह। आगे हम बात करेंगे यहाँ स्त्री शिक्षा के बारे में। बहुत सारी कुप्रथा तो चल रही थी, बस स्त्रियों को शिक्षा न मिलने के कारण उनके अंदर जागरूकता की कमी थी। तो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हिंदू शास्त्र जो थे वो स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते थे, और वो लोग सोचते थे कि अगर स्त्री शिक्षा ग्रहण कर लेगी तो देवता उनको श्राप दे देंगे और वो जल्दी ही विधवा हो जाएंगी, ऐसी मान्यता थी उस टाइम में। तो इस दिशा में सबसे पहला प्रयास जो किया वो ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया था, और 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की यहाँ स्थापना की गई थी, और 1849 में ही कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.E.D. बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की। बैथुन स्कूल की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1849 में की गई थी इसकी। और बैथुन द्वारा किया गया प्रयास जो था वो स्त्री शिक्षा की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला सशक्त प्रयास हम बैथुन द्वारा कहेंगे। बट स्त्री शिक्षा की दिशा में ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालय से संबंधित थे, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य को सदैव याद रखा जाता है। अगर आगे इसी में बात करेंगे हम, तो 1854 में जब वुड डिस्पैच का शिक्षा संबंधी प्रावधान आया था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने स्त्री शिक्षा को उसमें बढ़ावा दिया था। उसमें कहा गया था कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे ही 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग और मिडवाइफ के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य किया। मतलब कि 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई। 1916 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब महिला विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे स्त्री शिक्षा की ही दिशा में, 1916 में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में स्थापित है, आज भी फेमस है ये कॉलेज, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, और अभी 3 साल पहले इसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो इस पे क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में। और 1925 में जब स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए, तो सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और यही सरोजनी नायडू 1947 से 49 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम स्त्री शिक्षा की दिशा में उठाए गए। और 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी, गठन किया गया अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1927 में। और अगर हम इससे पहले की एकाध फैक्ट्स देखें, तो 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जिसके पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं की दिशा में सुधार किया गया। बहुत सारे समाज सुधारकों ने प्रयास किया, मेनली कर्वे का नाम लिया जा सकता है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम लिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रयत्न किए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आज के जो हमने बात की, स्त्री शिक्षा से रिलेटेड, बाल विवाह से रिलेटेड, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड, सती प्रथा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे। अभी भी स्त्री शिक्षा से रिलेटेड जो महिलाओं के संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान है, उपाय हैं, वो क्या क्या किए गए वो हमें देखना अभी बाकी है, और जो जाति प्रथा का हमारा एक टॉपिक रह गया वो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, इस वजह से बीच में स्टॉप करके आगे बढ़ाऊंगी क्लासेस। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।